नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी ग्रेवी वाली कटहल की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। इसमें हमने सिर्फ एक चीज़ ऐसी यूज़ की है जिससे ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप बनाएंगे तो छोटे बड़े सभी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा किलो कटहल लिया है, जिसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है और इस तरह छोटे से पीसेस में काट लिया है। हमें कटहल के ज़्यादा बड़े पीस नहीं काटने हैं, छोटे ही काटने हैं। मैं कटहल बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। चार टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, कुछ लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च और 4 प्याज और धनिया पत्ता। कुछ खड़े मसाले लिए जिसमें 2 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, लौंग, 2 जावित्री, दालचीनी, जीरा और कुछ काली मिर्च है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर प्याज काट लेंगे। बड़े टुकड़ों में प्याज को हमें काटना है क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। इसी के अंदर अदरक भी काट लेंगे, लहसुन की कलियां भी इसी के अंदर डाल देंगे और हरी मिर्च भी डंठल हटा के इसी के अंदर डाल देंगे। ये तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है। और जो खड़े मसाले लिए थे वो भी सारे इसके अंदर डाल देंगे, सिर्फ तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च को छोड़कर। इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है, इसे एक प्याली में निकाल लेंगे। देखिए मैंने प्याली में निकाल लिया है। उसी जार के अंदर हम टमाटर का पेस्ट भी बना लेंगे। टमाटर को भी हम बड़े टुकड़ों में काट कर इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसे अलग रख देंगे, गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई के अंदर तेल डाल देंगे। हमें इतना तेल डालना है जिससे कि हमारा कटहल अच्छे से फ्राई हो जाए। हम सबसे पहले कटहल को फ्राई करेंगे। तेल हमारा मीडियम गर्म हो गया है, हाई गर्म नहीं करना हमें। और इसके अंदर कटहल डाल देंगे। कटहल को हमें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमें हल्का ही फ्राई करना है इसे। आप देख सकते हैं कटहल का कलर चेंज हो गया है, ये फ्राई हो गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने कटहल को फ्राई किया है। वापस से थोड़ा थोड़ा करके हम कटहल फ्राई करेंगे। मैंने 2 बार में करके कटहल को फ्राई किया है। देखिए ये भी फ्राई हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में हम मसाला भुनेंगे। जीरा डाल देंगे 1 चम्मच, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डालेंगे। अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल देंगे, जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और सूखे मसालों का पेस्ट बनाया था वो डाल के इसे भून लेंगे। हमें तब तक भूनना है जब तक कि हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। देखिए ये ब्राउन हो गया है हल्का। अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करें एक बार। अब इसके अंदर हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे 1.5 चम्मच। ये तीखी नहीं होती, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला डाल देंगे 1/4 चम्मच, क्योंकि खड़े मसाले हमने यूज़ किए इसलिए गरम मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें मसालों को तब तक पकाना है जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ देते और अच्छे से पक नहीं जाते।
देखिए फ्रेंड्स, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। मैं 2 गिलास पानी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप सूप की सब्ज़ी बना रहे हैं तो पानी ना डालें, अगर ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो पानी ज़रूर डालें। अब हम इसको उबलने देंगे। देखिए ग्रेवी के उबाल आ गया है, अब हम इसके अंदर कटहल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक के 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसका सीक्रेट ये है फ्रेंड्स, हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून टमाटो केचप डालेंगे। इससे इस सब्जी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। अगर आप इस तरह से कटहल की सब्जी बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए सब्जी हमारी बन गई है, गैस को बंद कर देंगे और इसके अंदर धनिया पत्ता डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई करें। टमाटो केचप हमें सब्जी बनने के बाद ही डालना है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी कटहल की सब्जी तैयार है, धनिया पत्ते से गार्निश कर देंगे। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं, जिस तरह से मैंने बनाया उस तरह से ज़रूर बनाएं। बच्चे बड़े सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है।